इसीलिए भी किसी तरीके से प्रतिभाओं का मोहताज नहीं है और यहाँ पर हर तरह की प्रतिभाएं मौजूद हैं। इसी कड़ी में पीलीभीत महोत्सव 2018 में 25 फरवरी 2018 को पीलीभीत के चुनिंदा शख्सियत को सम्मानित। आपको बता दें कि पीलीभीत महोत्सव में 2017 में चुनिंदा लोगों को पीलीभीत रत्न और दूसरी उपाधियों से सम्मानित किया था। उसी कड़ी में इस सत्र भी इस बार भी यानी 25 फरवरी 2018 को मेले के समापन से एक दिन पहले पीलीभीत के इन शख्सियतों को सम्मानित किया गया। यहाँ पर कुछ लोगों को पीलीभीत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, वहीं दूसरे लोगों को प्रगति पुरस्कार व अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मीडिया को भी मीडिया पार्टनर पुरस्कार और मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया। जिन बच्चों ने यहाँ पर अपने कार्यक्रमों से छटा बिखेरी थी, उन बच्चों को यहाँ पर प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ नानु फौजी को बाल प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया, क्योंकि नानु फौजी हर दिन में तिरंगा अभियान को चला रहा है। प्रगति पुरस्कार पाने वालों में सबसे पहला नाम रहा अमृतलाल जी का। अमृतलाल जी लंबे समय से पीलीभीत में निशक्त जनों को जरूरी उपकरणों को मुफ्त में बांटते रहे हैं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराते रहे हैं, हृदय के रोगियों का मुफ्त इलाज करवाते रहे हैं और हर महीने कार्य करते हैं। उसका नाम शामिल हुआ इस सम्मान के बाद पीलीभीत रत्न पुरस्कार सीमा अग्रवाल जी को दिया गया। सीमा अग्रवाल जी लिटिल एंजल्स स्कूल की संस्थापिका और प्रधानाचार्य हैं। आपके कुशल निर्देशन में लिटिल एंजल्स का नाम आज उत्तर प्रदेश के जाने माने स्कूलों में गिना जाता है। आप महिला शक्ति के प्रतीक हैं। रत्न पाने वालों में दूसरा नाम रहा श्रीमती अमिता सक्सेना का, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वे इंडिया स्पीक्स की संस्थापिका और उप संपादिका हैं। आपके कुशल निर्देशन में आपके सहयोग में इंडिया स्पीक्स जिंदुनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। बड़ी बारी से कार्यक्रम चलता रहा और दर्शकों की तालियां बजती रही इन महान हस्तियों को देखकर। तो पाने वाले अन्य शख्सियत हैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ मिश्रा, जो कि पीलीभीत जिले के पहले न्यूरो सर्जन हैं। आपने यहां आकर पीलीभीत लोगों को न्यूरो के लिए न्यूरो चिकित्सा के लिए बाहर जाने की मजबूरियों पर विराम लगाया और अब आप अपनी न्यूरो चिकित्सा पीलीभीत में करा सकते हैं। पुरस्कार पाया है आपने, क्योंकि आप हैं जाने माने समाज सेवी और आपकी पहचान यहाँ पर धर्म कार्यों और समाज सेवा के रूप में की जाती है। दिया गया है पुनीत अग्रवाल जी को, जो कि पीलीभीत पहली गैस एजेंसी के संस्थापक और संचालक हैं और लगातार प्रथम स्थान पर बने हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप और ईमानदारी से पीलीभीत जिले में टॉप पर है। सुमन कंप्यूटर्स के डायरेक्टर सौरभ सक्सेना छोटे से उम्र में सुमन कंप्यूटर्स को स्थापित करके कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में अलग सलाह दी है। आप सक्सेना जी, जो कि इंडिया स्पीक्स के संस्थापक और संपादक हैं,
आप लंबे समय से मीडिया क्षेत्र में उपभोक्ता सेवाएं दे रहे हैं और हर प्रकार से खबरों को चलाकर समाज और देश को एक नई राह दिखाने का प्रयास लगातार करते हैं। आप हैं अरुण दास चंचल जी, जो कि पिछले लंबे समय से लाबारिस शवों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करते चले आ रहे हैं और ये सब कुछ वो अपने खुद की जेब के खर्चे पर करते हैं। इसी प्रकार के लोग सहयोग नहीं लेते हैं। उसके अलावा कन्याओं के निःशुल्क विवाह भी करा रहे हैं और पूरी और कपड़े देते हैं। आप हैं बीट बॉक्स आर्टिस्ट, अपने गले से 400 तरह की आवाजें निकालते हैं। सारे 400 तरह की आवाजें निकाल कर आपने अपनी कला को निखारा है और हर तरीके से समाज को मनोरंजन के नए आयाम दिए है। आप परिंदर सिंह सहनी जी, जिनको विशेष पुरस्कार दिया गया है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक नए विमान स्थापित किए हैं, जो कि आप कॉलेज के एमडी हैं। आप हैं डॉक्टर पटेल जी, जो कि शहर के पहले फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सम्मान सम्मानित किया गया। आप अपने शरीर के विशेष प्रकार के दर्द के दर्द और जोड़ों के दर्द का नियंत्रण करते हैं। साइटिका और स्लिप डिस्क जैसी बीमारियों को आप बड़ी ही आसानी से अपने बल के माध्यम से ठीक करते हैं। पुरस्कार बंटने का सिलसिला चलता ही रहा और शहर की जानी मानी शख्सियतें लगातार पाते रहे। और ये है नानू फौजी, जो कि बचपन से ही हर दिल में तिरंगा की मुहिम चला रहा, जिसका एक ही मकसद है कि हर घर में हर दिल में तिरंगे के प्रति सम्मान और जज्बा पैदा होना चाहिए। बाल प्रति का सम्मान 2018 सम्मानित किया गया। तो नानू फौजी किसी पहचान का या परिचय का मोहताज नहीं है। छोटा सा बच्चा एक बहुत बड़े मकसद को लेकर चल रहा है। अभी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको और भी दिखाएंगे और कौन है इस सम्मान का भुगतान जिस पाया है। आपने प्रेम सागर इंडिया स्पीक चैनल के संस्थापक और समाचार संपादक हैं। आप 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 10 साल से मीडिया को अपनी सेवाएं दे रहे हैं।